The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So gout. a hi zada pain in gout me, ज़्यादा zada dard ह zada ter parome, choti chote joints me body ungli johe per the gut house me suja जाती है. बहुत दर्द दर्द बहुत होता है भाई साहब दर्द गाउट में और होता क्या है अगर उसके अंदर झाँक के माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो उसके अंदर ज्वाइंट के अंदर क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं क्रिस्टल्स ज्वाइंट के अंदर जो के होते हैं यूरिक एसिड के यूरिक एसिड ज्यादा हो जाने की वजह से गाउट हो रहा है तो क्रिस्टल्स आपके ज्वाइंट में जमा हो जाते हैं तो गाउट होता है सो तो उसका ट्रीटमेंट भी है बिल्कुल अवेलेबल होता है लेकिन अल्टीमेटली इट्स वेरी 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 पेनफुल राइट पेनफुल और डिसेबलिंग कंडीशन है पोटेंशियली मतलब अगर आपको गाउट चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब चल नहीं पाओगे हो सकता है आ, मतलब इस इसको कई बार आर्थराइटिस यानी डिजीज का किंग बोला जाता है कि बहुत बहुत दिक्कत होती है इसमें राइट right? बहुत दिक्कत होती है फर्स्ट सिम्टम जो होता है इसका वो होता है दर्दनाक सूजन पेनफुल स्वेलिंग और एक ही ज्वाइंट में होता है पहले और ज्यादातर पैर में बड़े बड़े, बड़े अंगूठे में उसके बाद फिर ये धीरे धीरे हर एक जॉइंट में फैल सकता है वो सूजन लाल हो सकती है वॉम हो सकता है और फिर धीरे धीरे दिर सारे उंगलियों में आ सकता है इस तरीके का ये होता है और गाउट एक्सेस यूरिक एसिड के वजह से होता है यूरिक एसिड बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है आपके बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन <coughs> मेटाबॉलिज्म के बाद निकलता है प्रोरिन मेटाबो प्यूरिन पैरिमिडिन मेटाबॉलिज्म के बाद निकलता है और ये एक छोटे छोटे क्रिस्टल सुई जैसे क्रिस्टल होते हैं पतले पतले लंबे लंबे जो जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं और ये एक बार वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन करते हैं इन्फ्लामेशन राइट और जैसे जैसे अगर मान लो आपकी किडनी है किडनी यूरिक एसिड नहीं निकाल पा रही सही से तो प्रॉब्लम हो जाएगी मान लो आप कुछ प्रकार का खाना खा रहे हो जो कि हाई यूरिक एसिड हाई प्यूरिन पारि प्यूरिन कॉन्सेंट्रेशन है तो वो यूरिक एसिड ज्यादा बनता है वो कौन कौन सा खाना है जिससे जैसे शेल फिश रेड मीट ऑर्गन मीट जैसे लिवर किसी उसमें बहुत ज्यादा प्यूरस है दारू बियर ज्यादातर अल्कोहल इन एक्सेस विल कॉज दिस प्रॉब्लम शुगरी ड्रिंक्स जो फूड जिसमें हाई शुगर फ्रूक्टोस है जैसे कि बाहर का जूस बाहर से जो भी जूसेस होते हैं और कुछ दवाएं जैसे कि एस्प्रिन डिस्प्रिन जो खाते हैं Uh, कुछ डायोरेटिक मेडिसिन वाटर पिल्स हाइड्रोक्लोरोथाजाइड लैसिक्स फ्यूरोसमाइड इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि साइक्लो uh, टैक्रोलिमस ये इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयाँ ये सारी अगर कोई ले रहा है इनमें से कुछ भी तो ये कर सकता है गाउट ओवर टाइम क्या होता है समय के साथ यूरिक एसिड बढ़ बढ़ जाता है इन लोगों में खून में और यूरिक एसिड आगे चल के डिपॉजिट होने लग जाता है जॉइंट के आसपास और ये व्हाइट ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट कर लेता है अटैकिंग जो आपके सोल्जर सेल्स हैं ये क्रिस्टल्स उनको अटैक करता है और ये व्हाइट ब्लड सेल जाते हैं और उस जॉइंट पे अटैक करते हैं धाड़ 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 गोलियां बम गोले और वहां सूजन इन्फ्लामेशन दर्द आर्थराइटिस धीरे धीरे एक्यूट आर्थराइटिस क्रोनिक आर्थराइटिस बढ़ जाता है और फिर आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये ये जॉइंट के साथ साथ आपके पेशाब की नली किडनीज में भी डिपॉजिट हो सकता है यूरिक एसिड और वहां यूरिक एसिड के स्टोन बन सकते हैं तो यूरिक एसिड स्टोन भी एक चीज है तो किसको होगा गाउट भाई हमने ऑलरेडी बता दिया जो लोग ज्यादा रिस्क फैक्टर हैं ज्यादातर ये होता मेल्स में मेन में, में आदमियों में और फीमेल्स में होता है मीनोपॉज के बाद या फिर जिनको किडनी डिजीज है उनको होता है क्योंकि किडनी का काम है सब कुछ एक्सक्रीट करना है किडनी बीमारी है तो गाउट हो सकता है यूरिक सक, एसिड बढ़ सकता है क्रियाटीन बढ़ सकता है और भाई साहब गाउट का बहुत ज्यादा खतरनाक लिंकेज है मोटापे के साथ तो अगर आप मोटे हैं तो आपको गाउट होने के चांसेस हैं ब्लड प्रेशर के साथ अगर आपके बीपी है कोलेस्ट्रॉल के साथ अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो गाउट होने के चांसेस हैं ट्राइग्लिसराइड है तो गाउट होने के चांस डायबिटीज के भी साथ डायबिटीज तो कोलेस्ट्रॉल ओबेसिटी हाइपर इनके साथ गाउट के लिंकेज काफी सारे पाए गए हैं और ऑब्वियसली जेनेटिक फैक्टर तो है ही भाई जीन्स तो सबसे बड़ी है जो लिखवा के लाए हो वो होगा ही होगा राइट right? वो मंजूर खुदा वट एवर इज दैट राइट सो बिकॉज एक जेनेटिक फैक्टर तो रहता ही सो डायग्नोस कैसे होता है गाउट गाउट डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले तो हिस्ट्री ली जाती है ज्यादातर अटैक्स गाउट के होते हैं रात को और एक्यूट अटैक में जोरदार दर्द होता है पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है और सूजन सूजन मिलती है पैरों में दर्द बताते हैं और इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और जब उसमें जॉइंट का मान लीजिए एक्सरे करते हैं तो वहाँ थोड़ा इंफ्लामेशन के साइंस होते हैं तो कई सारे वेज होते हैं डायग्नोसिस करने के लिए नंबर वन तो आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मिल जाए अगर तो वो सीधी सीधी डायग्नोसिस है उसके लिए थोड़ा सा जॉइंट के अंदर से फ्लूड भी निकाल सकते हैं सुई डाल के वो भी एक टेक्निक है जिसमें फिर वो फ्लू निकालते उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल दिख गए गाउट है भैया है ना और यू आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल चेक किया जा सकता है वो हाई है तो भी दैट कैन बी अ थिंग उसके अलावा माइक्रोस्कोप में तो ये देख ले देख ही लेते हैं सो so, उसके अलावा ब्लड टेस्ट है और ये दो टेस्ट होते हैं एक्सरे में थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है ओके okay, उसके अलावा कौन कौन से ज्वाइंट इन्वॉल्व है उसके पैटर्न से भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि गाउट है या नहीं है जैसे पैर की बड़े अंगूठा छोटे मोटे ज्वाइंट्स है तो घुटने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इनिशियली बट बट द रेयर केसेस आर ऑलवेज पॉसिबल एक्सरे अल्ट्रासाउंड में डैमेज दिख जाएगा सिटी स्कैन भी किया जा सकता है एज यूजल तो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या होगा गाउट का गाउट का ट्रीटमेंट सिंपल है कि आपको uh, दवाइयां देनी होंगी एक तो यूरिक एसिड कम करने की और गाउट के अंदर कोल्ची कोल्चीचिन एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चलती है कोलजीसीन जो है एक्यूट अटैक में काम आता है इफेक्टिव अर्ली स्टेजेस में कोलशीसीन नाम की दवा है कोल्चीसीन इससे लेकिन थोड़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं नॉजे वोमिटिंग डायरिया ऐसी सिंपल सी चीज़ें पेट खराब हो सकता है राइट तो लोअर डोज से शुरू करके धीरे 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 शुरुआत की जाती है या अगर आपको साइड इफेक्ट होता है सबको नहीं होता किसी को होता है तो उसको लोअर डोज शुरू किया जाता है और जिनको किडनी या लिवर डिजीज है तो उनके केस में फिर आ, कुछ दवाई चल रही है जो कोल्छी के साथ रिएक्ट कर सकती है तो फिर उनको दूसरी दवाई दी जाती है राइट और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन आती हैं जैसे कि एनसेट्स एनसेड्स मतलब जो इंडोमिठासन नेप्रोक्सिन डिस्प्रिन ये सारी सॉरी दवाइयान <coughs> so, इनके साथ क्या होता है पेन किलर है इनफ्लामेशन कम करती है तो पेशेंट को रिलैक्स मिलता, मिलता है रिलीफ मिलता है सिम्टम्स से लेकिन ये बीमारी को जड़ से नहीं खत्म करती इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके गैस बन सकती है डायरिया वॉमिटिंग नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है क्रिस्टल्स अगर ज्यादा है तो जॉइंट डैमेज हो सकता है ऐसे केसेस में स्टीरोयड देना पड़ सकता है प्रेगनीस्लोन प्रेड या मिथाइल प्रेडनीसलोन ऐसी कोई स्टीरोड दिया जा सकता है जो लोग मान लो पेन किलर नहीं ले सकते तो so, कई बार इंजेक्शन भी डाला जा सकता है मसल के अंदर uh, का या फिर जॉइंट के अंदर भी डाला जा सकता है डायरेक्टली दैट इज पॉसिबल सो ये सारे तरीके हैं और कई बार कुछ बायोलॉजिकल दवाइयां भी आती हैं बायोलॉजिकल ड्रग्स जैसे कि एना इज अ बायोलॉजिकल दवा जो एफडी अप्रूव्ड है जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दी जाती है इसमें भी दी जाती है लेकिन ये गाउट में भी रिलीफ कर देते बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब कोई ना कोई आ, ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो वहां पे एक्टिव होता है लेकिन ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं लेकिन इफेक्ट ज्यादा होते हैं तो ये लास्ट रिजॉर्ट है जब किसी और चीज से काम ना हो तो फिर इससे किया जाता है होम रेमेडीज भी बाईस आप कर सकते हो होम <coughs> रेमेडीज भी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकती है जैसे कि चेरी चेरी के प्रोडक्ट चेरी का होल चेरी खाओ राइट right? चेरी uh, का जूस ले लो गाउट में फायदा होता है स्किम्ड मिल्क ग्लास ऑफ स्किम्ड मिल्क राइट जो एक दिन में डेली पतला दूध पियोगे स्किम्ड मिल्क वो भी यूरिक एसिड लेवल कम करता है जी हाँ लोग दूध बंद करते थे हम दूध पिलाते हैं स्किम्ड मिल्क पतला पतला दूध पीने से भी होता है जी हाँ दैट्स लिटरेचर राइट आप जाके देखोगे रिसर्च uh, में रोमेटोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन uh, में तो आपको ये मिलेगा सोश so, दूध पीना है पतला वाला स्किम्ड मिल्क राइट right? तीन बार दूध मलाई निकाले वाला और <clears throat> उसके अलावा अटैक के टाइम पे अप्लाई करना है आपको उसके ऊपर आइस बर्फ की सिकाई करनी है और उससे आराम मिलेगा कपड़े पे रख के बर्फ की सिकाई करने से आराम मिलता है और एक्सेस यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो यूरिक एसिड निकालने के लिए यूरिक एसिड कम करने की दवाएं आती हैं जो वेबुक्सोस्टैट और जो एलोपिरोनोल जो भाई साहब सबको ही पता है यूरिक एसिड की यूरिक एसिड वाले वीडियो में आपने देखा होगा तो यूरिक एसिड कम किया जाता है वो अलग ज्वाइंट इन्फॉर्मेशन किया जाता है वो अलग 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 पे इंजेक्शन लगना लगना जो लगना, अलग, अलग, है यूरिक 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 एसिड 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 कारण को भी ठीक करना ही पड़ेगा बट ऑब्वियसली उसके अलावा कई सारे किडनी के लिए भी दवा आती है किडनी के लिए प्रोबिन नाम की दवा आती है जो किडनी के तरफ से गाउट यूरिक एसिड निकालने की मदद करती है किडनी फंक्शन में भी हेल्प करती है कई सारे इंजेक्शन भी आते हैं जो जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को ब्रेकडाउन करेगा जैसे कि पैकग्लियोटिकेस पेग्लियोटिकेस ये दवाई उनको दी जाती है जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करते ठीक है और गाउट फ्लेयर्स काफी कॉमन हो जाते हैं जिन लोगों को रेगुलर गाउट है क्रोनिक गाउट है तो एनसेट्स के साइड इफेक्ट समझने होंगे गैस्ट्राइटिस की दवा एसिडिटी की दवा चलनी पड़ेगी उनको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके वजह से वाइटामिन डेफिशिएंसी हो रही है क्या हो रहा है उसको भी टैकल करना पड़ेगा आप ध्यान में रखें कि हाई फ्रुक्टोज वाली चीजें सोडा वाली चीजें बाहर का अल्कोहल दारू बियर खासकर बियर राइट और जो हमने ऊपर चीज़ें बताई वो सब ना खाएं जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है कम खाएं ना खाएं या बहुत कम खाएं हाँ हफ्ते में एक बार साल में एक बार अगर सारा कुछ करेंगे ये सारा तो गाउट और आ, ये ग्रेजुअली जरूर कम हो जाता है रिलैक्स हो जाता है सो दैट इज दैट इज द पॉइंट हियर कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो इसमें और ग्रेजुअली अटैक कम हो जाता है ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिलता है और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स भी कम हो जाते हैं सो रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए जाइए गाउट के लिए आप ऑर्थोपेडिशियन रोमेटोलॉजिस्ट फिजिशियन के पास जा सकते हैं थैंक यू सो मच आई होप यू अंडरस्टैंड इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी